हेलो थर्ड क्लास, आवर टुडेज चैप्टर 5 इज द मिस्टीरियस नाइट क्रीचर। ओके, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय, नाइट रात, क्रीचर मीन्स जीव, रात का रहस्यमय जीव। ओके, इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो विल कवर वर्ड मीनिंग्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन, एंड आफ्टर दैट विल डू दैट वर्ड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। ओके okay before studying the chapter we should know the meanings of some difficult words. Okay, those words are, first is gust, sudden strong wind with increased speed, means aandhi. Amused, something funny that makes you smile or laugh. किसी चीज को देख के, कोई ऐसी फनी चीज को देख के जिसको देख के आपको हंसी आए या खुश हो जाओ आप. Weird looking, very strange looking, अजीब सा दिखने वाला. फार अवे, अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे, काफी दूर. टिप टोड, टू वॉक ऑन द टोज विदाउट मेकिंग अ नॉइज, बिना आवाज के चलना पैरों पे, एड़ी टच नहीं करनी चाहिए जमीन पे, उसको कहते हैं टिप टोड. माइल्स, अ यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, जो नापने के लिए हम लगाते हैं कि कितनी दूरी पे है, वो एक यूनिट है. Our chapter, the mysterious night creature. Okay, mysterious night creature means रहस्यमय जीव, रात का जीव. Rahul was in his bed at 10 PM. Rahul अपने बेड पे लेटा हुआ था 10 बजे. He was not feeling sleepy, so he took out a story book to read. वो फील नहीं कर रहा था कि उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने अपने लिए पढ़ने के लिए एक स्टोरी बुक उठाई. Every day he read a book before going to sleep. हर रोज वो बुक पढ़ता था सोने से पहले. Soon his eyes were heavy and he fell asleep. जल्दी ही उसकी आंखें जो हैं भारी हो गईं और वो सो गया. At 10:30 PM, Rahul was fast asleep. 10:30 बजे तक वो राहुल जो था वो गहरी नींद में था. His book had fallen off the bed and was lying on the floor. उसकी जो बुक थी वो गिर गई बेड से और वो जमीन पे गिर गई. मतलब when the clock struck 11, जब रात के 11 बजे, there was a gust of wind from the window. आंधी आई विंडो से, खिड़की से. A green creature jumped in and stood next to Rahul. तो एक ग्रीन कलर का, हरे रंग का क्रीचर, जीव अंदर आ गया एंड स्टूड नेक्स्ट टू राहुल, और राहुल के पास खड़ा हो गया. Its head was big with round eyes that looked like buttons and a tiny nose. इसका सिर जो था बहुत बड़ा था और आंखें गोल थी. And looked like buttons, ऐसी आंखें थी जैसे बटन होते हैं, और nose कैसा था, tiny, छोटा सा. Its ear were long and round, उसके कान जो थे वो लंबे और गोल थे. It wore a shiny red button on a golden thread around its neck. एक golden thread means सुनहरे धागे में उसने अपने गले में रेड बटन पहना हुआ था. शाइनी मीन्स चमकीला. इट लुक्ड स्केरी बट इट वॉज फ्रेंडली, डरावना सा दिख रहा था पर वो फ्रेंडली था, दोस्ताना था उसका बिहेवियर. राहुल गॉट अप एंड लुक्ड एट द क्रीचर, राहुल उठा और उसने क्रीचर की तरफ देखा एंड स्टार्टेड लाफिंग, और हंसने लगा. ही वॉज एम्यूज टू सी अ वियर्ड लुकिंग क्रीचर, वो खुश हो रहा था उस अजीब से, वियर्ड मीन अजीब से दिखने वाले जीव को देखकर. सून दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, जल्द ही वो आपस में चिटचैट बातें कर रहे थे. इट वॉज स्ट्रेंज बट ट्रू दैट दे वर चैटिंग, ये अजीब था पर सच था कि वो बातें कर रहे थे. दे टॉक्ड अबाउट राहुल स्कूल एंड हिज फ्रेंड्स, वो उन्होंने किसके बारे में बातें की, राहुल के स्कूल के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में. राहुल सेड, I love painting and I also won a painting competition. कि मुझे पेंटिंग पसंद है और मैंने पेंटिंग का कॉम्पिटिशन भी जीता है. द क्रीचर सेड, कम एंड आई विल शो यू माई होम, यू कैन पेंट अ पिक्चर ऑफ इट. क्रीचर ने कहा, वो जो जीव था, कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगा, तुम इसकी एक पिक्चर बनाना. राहुल, वेयर इज योर हाउस, घर कहाँ है तुम्हारा. द क्रीचर रिप्लाइड, My home is on a far away planet called Pluno. Come and I will show it to you. मेरा घर बहुत दूर है,
वो प्लेनेट पे है जिसका नाम क्या है, प्लूनो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। दे टिप टो टू द बालकनी, वो बालकनी से दबे पांव गए। एंड द क्रीचर शोड द प्लेनेट टू राहुल, बालकनी में उसने उसको दिखाया राहुल को कि अपना वो प्लेनेट। इट वॉज मैनी मैनी माइल्स अवे बट इट ट्विंकल लाइक अ ब्लू स्टार, बहुत मीलों दूर था ये पर वो स्टार की तरह शाइन कर रहा था, चमक रहा था। हाउ ब्यूटिफुल, कैन वी गो देयर, सेड राहुल। कहता कि वाओ कितना सुंदर है ये, क्या हम जा सकते हैं वहां, राहुल ने पूछा। डू यू रियली वॉन्ट टू गो देयर, आई कैन टेक यू देयर क्विकली एंड ब्रिंग यू बैक सेफली, रिप्लाइड द क्रीचर। उस जीव ने कहा कि क्या तुम सच में जाना चाहते हो, मैं तुम्हें वहां तेजी से ले जाऊंगा और आराम सेफली सुरक्षित वापस पहुंचा दूंगा। ग्रेट, देन लेट्स गो राइट अवे, चलो फिर चलते हैं, कह रहा अभी। द क्रीचर प्रेस द रेड बटन एंड बिफोर वन कुड ब्लिंक वन्स आईज दे बोथ वर ट्रांसपोर्टेड टू प्लूनो। उसने वो जो क्रीचर था उसने रेड बटन दबाया और वो इतना टाइम लगा जितना हमें आईज को ब्लिंक करने में भी नहीं लगता, झपकने में आंखों को, कि वो प्लूनो पर पहुंच गए। अ जेंटल ब्रीज ब्लू, दो देयर वर नो हाउसेस ट्रीज और एनीथिंग यू फाइंड ऑन अर्थ, इट सीम्ड अ पीसफुल प्लेस। कहता है एक जेंटल ब्रीज, अच्छी हवा चल रही थी और यहाँ पे कोई हाउसेस नहीं थे, पेड़ भी नहीं थे और जो भी अर्थ में दिखता है वो कुछ भी नहीं था। इट सीम्ड अ, फिर भी ये एक पीसफुल प्लेस, शांति वाली जगह लग रही थी। एवरी वन ऑन प्लूटो लिव्ड इन द ओपन, हर कोई प्लूनो में ओपन में ही रहता है। राहुल सॉ मैनी अदर्स लाइक द क्रीचर, राहुल ने बहुत सारे उस जीव के जैसे देखे। दे ऑल हैड अ रेड बटन डेंगलिंग फ्रॉम देयर नेक्स, डेंगलिंग मीन्स लटकना। उसने देखा कि सबके गले में क्या था, रेड बटन गले में पहना हुआ था गर्दन में। दे डिड नॉट वॉक, चलते नहीं थे वो। ऑल दे हैड टू डू वॉज प्रेस द बटन, बस वो उनको क्या करना पड़ता था, बटन को प्रेस करना पड़ता था। एंड दे वुड गो टू द प्लेस दे वॉन्टेड, और फिर वहां पहुंच जाते थे जहां वो जाना चाहते थे। He was enjoying the view. उसको मजा आ रहा था वो देखकर उस व्यू को। And suddenly there was a strange loud ring. और एकदम से एक अजीब सी आवाज आई, जोर जोर से आवाज आई। राहुल वो कब, राहुल उठ गया। It was 7 o'clock in the morning. 7 बज गए थे सुबह के। वो रिंग क्या थी, वो उसकी अलार्म क्लॉक की रिंग थी उसके उठने के लिए। द क्रीचर वॉज नॉट अराउंड, वो क्रीचर नहीं था आसपास। राहुल पिक्ड अप द बुक फ्रॉम हिज बेडरूम फ्लोर, राहुल ने वो बुक उठाई जो गिर गई थी रात को नीचे बेडरूम फ्लोर पे पड़ी थी। जस्ट देन समथिंग कॉट हिज आई, तभी उसने उसने क्या देखा, कुछ देखा। इट वॉज द रेड बटन दैट द क्रीचर वोर अराउंड हिज नेक, वहां पे क्या था, रेड बटन था जो उसने पहना हुआ था क्रीचर ने। राहुल वॉज रीडिंग अ स्टोरी अबाउट क्रीचर्स विद ग्रीन आईज द नाइट बिफोर, राहुल उस रात को बुक से क्या कहानी पढ़ रहा था ऐसे जीवों की जिनकी आंखें क्या होती हैं, ग्रीन। बट वॉज इट अ ड्रीम और डिड इट एक्चुअली हैपन, पर क्या ये सच था, सपना था या फिर सच में हुआ था। इफ इट वॉज फॉर रियल वेयर डिड द क्रीचर गो, अगर तो ये सच था तो क्रीचर कहाँ गया, ही वंडर्ड, वो हैरान था। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। ओके, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। Now we have read the chapter and we should know the answers of the questions. First question is, who is it in the sentence? Answer, it is a mysterious night creature. Why was it scary? Answer is, it looked scary because it was of green color, its head was big with round eyes and a tiny nose. Its ears were long and round. Okay, that's why it looked so scary. Next is, how was it friendly? Answer is, it was weird looking but friendly. They talked about Rahul's school and his friends. He also offered Rahul to come to its planet. Next RTC is,
ही वॉज इंजॉइंग द व्यू एंड सडनली देयर वॉज अ स्ट्रेंज लाउड रिंग. ओके क्वेश्चन इज वट वॉज द व्यू. एंसर राहुल वॉज ऑन द प्लेनेट लूनो विद दैट स्ट्रेंज क्रीचर. देयर ही सॉ मैनी अदर क्रीचर्स लाइक इट. दे ऑल हैड रेड बटन डेंगलिंग फ्रॉम देयर नेक्स. इट सीम्ड अ पीसफुल प्लेस. नेक्स्ट इज वट कॉज द स्ट्रेंज लाउड रिंग. द स्ट्रेंज लाउड रिंग वॉज एन अलार्म टू वेक हिम अप. वट हैपन्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज लाउड रिंग. एंसर इज राहुल वोक अप because of the strange loud ring and he found that the strange creature was not there. He was confused that whether it was a dream or a reality that he had seen that strange creature. Thank you for watching my video and please subscribe. Okay.